भारत के कई राज्यों खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है, तो दुनिया के कई दूसरे देशों में भी गर्मी के कारण परेशान हैं। यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाने वाली हज यात्रा पर गए लोगों पर भी गर्मी कहर ढा रही है। सऊदी अरब के मक्का में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जिसकी वजह से 645 हज यात्रियों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मृतक मिस्र, भारत और जॉर्डन के हैं। वहीं पिछले साल हज के दौरान 240 यात्रियों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकतर इंडोनेशिया के थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हीं देशों के यात्रियों पर मक्का में कहर क्यों बरपा रही है, लोग क्यों मर रहे हैं। सऊदी अरब में इस बार इतनी बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भीषण गर्मी के कारण 2700 से ज्यादा तीर्थयात्री बीमार हैं, इनकी जानकारी खुद सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। वहीं मृतकों में मिस्र के सबसे ज्यादा 332 नागरिक हैं। सऊदी अरब सरकार का दावा है कि मिस्र के सभी तीर्थयात्रियों की मौत गर्मी की वजह से हुई है। केवल एक यात्री भीड़ की टक्कर में घायल हुआ था। वहीं भारत के 68 और जॉर्डन के कुल 60 हज यात्रियों की मौत हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद इस साल 1.8 मिलियन तीर्थयात्री हज यात्रा में शामिल हुए, जिनमें 1.6 मिलियन विदेशी थे। सऊदी अरब की सरकार के छाते का इस्तेमाल करने और हमेशा हाइड्रेट रहने की सलाह के बावजूद हालात बिगड़ गए और पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई। विशेषज्ञों की माने तो मक्का में हुई मौतों के लिए इंसान सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर खुद जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में हुए बदलाव का ही असर सऊदी में हज यात्रा पर देखने को मिला। बढ़ते तापमान की बड़ी वजहों में इंसानी गतिविधियां भी शामिल हैं। सऊदी अरब में हुए अध्ययन में हाल ही में खुलासा हुआ कि वहां के धार्मिक स्थलों पर हर दशक में तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। इस बार हज यात्रा के दौरान मक्का की ग्रेड मस्जिद का तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। इसी ज्यादा तापमान का ज्यादा असर मिस्र, जॉर्डन और इंडोनेशिया के लोगों पर पड़ा, क्योंकि वो इतनी गर्मी झेलने के आदि नहीं होते हैं। तापमान की बात करें तो जॉर्डन घाटी में गर्मियों में अधिकतम पारा 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। देश के रेगिस्तानी इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। वहीं मिस्र के तटीय क्षेत्रों में तो सदियों में औसत तापमान न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में अधिकतम औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं इंडोनेशिया में पूरे साल औसत तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। शुष्क गर्मी पड़ने पर भी यह तापमान 33 से 34 डिग्री ही से ज़्यादा नहीं जाता। सऊदी अरब का एक नियम ये है कि मुस्लिम देशों की हर 1000 आबादी पर एक व्यक्ति हज यात्रा पर जा सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है, इसलिए वहाँ के सबसे ज़्यादा यात्री हज पर जाते हैं। ऐसे ही मिस्र और जॉर्डन से भी ज़्यादा यात्री हज पहुँचते हैं। ऐसे में मक्का में होने वाली घटनाओं की चपेट में भी यही लोग ज़्यादा आते हैं। इससे बड़ी एक वजह यह है कि हज की आधिकारिक प्रक्रियाओं में बहुत पैसा लगता है। इससे बचने के लिए बड़ी संख्या में यात्री बिना पंजीकरण कराए ही मक्का मदीना पहुँच जाते हैं। पंजीकरण न होने के कारण इन यात्रियों को सऊदी अरब सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। वहीं रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को वातानुकूलित स्थान पर रहने आदि की सुविधा मिलती है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले जायरीनों के कारण मक्का के शिविरों में हालात बिगड़ गए हैं। इसके कारण कई सेवाएं तो पूरी तरह से ठप हो गई हैं। कई लोगों का खाना पीना तक नहीं हो पा रहा है। एयर कंडीशनर की सुविधा भी नहीं मिल पाई। इसकी वजह से गर्मी के चपेट में आने से लोगों की मौत हो गई। मिस्र के एक राजनयिक ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले जायरीनों के कारण मौत की दर बढ़ी है। ऐसी ही इंडोनेशिया और दूसरे देशों ने भी मौत की सूचना दी है।